नमस्कार, मैं उत्कृष्टा यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। खबर हरदोई से है, जहां निषाद पार्टी के अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जनपद का दौरा किया, जहां मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से तमाम कार्यों के बारे में जानकारी ली। मंत्री संजय निषाद ने एनडीए गठबंधन सरकार की नीतियों की जानकारी देते हुए ओपी राजभर को भाई बताया। साथ ही ओपी राजभर पर तंज कसते हुए निषाद ने कहा कि मेरी ओपी राजभर को राय की मर्यादित भाषा बोले, जिसके चलते जनता उनसे जुड़ी रहे। और अब भाजपा का लक्ष्य है कि अंत्योदय तक, यानी कि हर गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना। जो भी इस मुहिम में शामिल होना चाहता है उसका स्वागत है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत देखिए, अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय, जिसको सब लोगों ने अधेरे में रखा था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही देश का अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गांव का गरीब भूखों मर रहा था। कानून बनाया, आज पूरा खाना मिल रहा, खाना पूर्ति होता था, अब भी खाना मिलता रहा। उसकी देन है कि जनता ने उसे मोहर मारी, चाहे मोदी जी को है, माननीय योगी जी को है। दोबारा फिर मोदी जी आ रहे 2024 में। रहा सवाल रोजगार के साधन थे और भी तमाम जो होने चाहिए थे, आज देश को कहां से कहां पहुंचाया। खबर रायबरेली से है, जहां खेतों की तर्ज पर गांव में बने घरों और घरौनियां बनकर तैयार हो चुकी है, जिसके वितरण का कार्यक्रम जनपद के सभी तहसीलों में संपन्न हुआ। तो उधर सदर तहसील में भी अपर जिलाधिकारी प्रशासन व नगर पालिका अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ मिलकर घरौनी वितरण का कार्यक्रम संपन्न कराया, जबकि अन्य तहसीलों में भी घरौनी वितरण का कार्यक्रम संपन्न कराया गया, जिसमें एसडीएम नगर पालिका अध्यक्ष सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जो ग्रामीण जनता है, जिनके पास अपने घर तो कई सालों से रहते हैं और उनके पास अपने कागज़ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बैंक से लोन भी नहीं मिल पाता और बहुत सी सुविधाओं का भी लाभ नहीं उठा पाते हैं। ये मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। उन्होंने उस स्तर पर जाकर सोचा कि वो हमारे जो मुख्य ग्रामीण है उनको भी लाभ मिल सके, उन तक ये सुविधा पहुँच सके, उनका आवास उनके नाम होगा और वो अपने उस आवास पर लोन भी ले पाएंगे और बहुत सी सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को घरौनिया का वितरण किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना कार्यक्रम का शुभारंभ लोक भवन लखनऊ से मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया, जिसमें प्रदेश के लगभग 11 लाख लोगों को ग्रामीण को घरौनिया का वितरण डिजिटल माध्यम से किया गया। तो वहीं तहसील इकोना में भी विधायक उप जिलाधिकारी तथा जमुनिया में जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी सौरभ शुक्ला ने घरौनी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यूपी के सबसे अधिक अपराधियों और आतंकवादियों को सलाखों के पीछे रखने वाली प्रयागराज की सेंट्रल लैनी जेल में बंदियों की गौ सेवा प्रेम ने चर्चा में है। सबसे अधिक बंदियों की क्षमता इस जेल में कैदियों ने गौवंश की सेवा को लेकर एक पहल की है। बंदियों ने अपने निजी प्रयास से जेल के अंदर एक बड़ी गौशाला विकसित की है, जिसमें वो हर साल 6 लाख से अधिक की इनकम भी कर रहे हैं। इस गौशाला में 250 लीटर दूध प्रतिदिन निकाला जाता है। पूरी तरह सहकारिता के विचार से शुरू की गई बंदियों की गौशाला बंदियों के परिश्रम और मेहनत के निरंतर फल फूल रही है। गौशाला जो है लगभग इसमें 150 के आसपास गोवंश हैं। वर्तमान में करीब 250 लीटर के आसपास दूध प्रतिदिन उत्पादित होता है और इस दूध का उपयोग जो है हम कारागार के अंदर ही प्रयोग करते हैं और कारागार में बंदियों को जो चाय दी जाती है उसमें, अथवा कैंटीन के माध्यम से उपलब्ध रहता है आम बंदियों के लिए भी, वो अपना कूपन दे करके उसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकारीगण भी जो है दूध की शुद्धता को देखते हुए उसको वो भी प्रीफर करते हैं कि यहाँ से दूध परचेज कर रहे हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां बजरंग दल के संयोजक द्वारा आपातकाल के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करते हुए विशेष कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल दिवस को काला दिवस बताया गया। तो वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गौरव शर्मा ने कहा कि किसी भी देश को आपातकाल जैसी परिस्थितियों से बचना चाहिए। 25 जून 1975 में इस देश में आपातकाल लगा था और आपातकाल में जो इस देश के लोकतंत्र सेनानियों ने यातनाएं झेली,
उन नियतनाओं को इस देश की युवा पीढ़ी को बताने हेतु और लोकतंत्र जो हमारे सेनानी थे उनका सम्मान करने हेतु हमने राष्ट्र रक्षा संकल्प नामक एक कार्यक्रम बजरंगबल हरिगढ़ के बैनर पर किया है। साथ ही युवाओं को ये एक संदेश दिया है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि देश में आज आप देख रहे हैं चारों ओर अराजकता का माहौल है और इस अराजकता की जड़ में पाकिस्तान नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि इस अराजकता की जड़ में पाकिस्तान है, इस अराजकता की जड़ में इस देश के अंदर पनपने वाला जिहाद है और उस जिहाद को जो शक्ति प्रदान होती है वो होती है पीएफआई जैसे फंडिंग के माध्यम से। तो हमारी इस देश की सरकार से मांग है कि पीएफआई जैसे जितने संगठन हैं इनको बैन किया जाए। राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक ऑटो चालक ने ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। ऑटो चालक ने अपने ऑटो के अंदर बाहर ग्रीन घास लगाकर और पेड़ पौधे लगाकर अलग लुक दिया है। इस लुक को देखकर सभी उसकी तारीफ कर रहे, तो ही उनका ऑटो सवारियों की पहल पसंद बन गया है। ऑटो चालक ने बताया कि हरियाणा सरकार फरीदाबाद को पॉल्यूशन फ्री करना चाहती है, जगह जगह पेड़ पौधे लगा रही है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उसने अपने ऑटो में पौधे लगाकर सरकार की इस मुहिम को सहयोग किया है। सरकार की मुहिम है ना ये पॉल्यूशन खत्म करना थोड़ा नेचर को, तो उस चीज को देखते हुए बनाया है। सरकार के साथ रहते हुए सरकार भी कुछ करे, हम भी तो कुछ करना चाहिए। सरकार सारा थोड़ी ना करेगी, क्या कर रही है सरकार? सरकार पॉल्यूशन खत्म कर रही है, पेड़ पौधे लगा रही है हर जगह, देखिए रोडों पे स्मार्ट सिटी ला रही है। सरकार ने लाए तो हमें भी थोड़ा कुछ करना चाहिए ना पौधों के साथ। सरकार की मुहिम में सहयोग दे रहे हैं। तो कैसे आइडिया आया कि हमने पेड़ ये पौधे लगाए, ग्रीन थोड़ा करें? ये तो मैं असली चाहता था लेकिन कोशिश नहीं हो पाई क्योंकि फरीदाबाद है थोड़ा, तो असली नहीं लगा सका, तो उसको थोड़ा लुक दे दिया कि गार्डन जैसा लोगों को लगे घास है असली। और पौधे जो असली लगाए हैं वो मैंने अपने सोच से लगाया कि ऐसा करते हैं तो असली पौधे लगाए। खबर हरदोई से है जहां मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई जिसमें दोनों पक्षों से आए लोग घायल हुए। दोनों पक्षों से घायल तीन युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये अस्पताल में दोनों पक्षों के सामने आने के बाद दोनों पक्षों में फिर वाद विवाद और हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। कोतवाली शहर के चौकी सदर क्षेत्र का मामला है। दो दिन पहले इनका मोबाइल गायब हुआ था और मोबाइल की दुकान पर कि मोबाइल हमारा इसी के पास है ऐसी शंका जताते हुए कई लोग आकर के उस मोबाइल वाले दुकान वाले से कहा सुनी करके मारपीट करने लगे, हाथापाई करने लगे। उसी में दोनों तरफ से 10-15 आदमी इधर और 2-4 आदमी उधर के मिल करके आपस में हाथापाई किए। कहीं से चाकू किस पार्टी के तरफ से आया, दो आदमियों को जो है चाकू की चोटें हाथ में और पैर में हैं और सीसीटीवी फुटेज को विधिवत देखा जा रहा है और देखने के बाद जो संबंधित दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के हरदोई में स्वास्थ्य केंद्र के रिश्वतखोर फार्मासिस्ट को सीएमओ ने निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। मारपीट के एक मामले में डॉक्टरी परीक्षण कराने पहुंची महिला का मेडिकल कराने के नाम पर फार्मासिस्ट ने उसे रिश्वत की मांग की थी। महिला ने उसे रुपए भी दिए थे लेकिन मेडिकल रिपोर्ट मनमाफिक न बनाने पर महिला ने जमकर हंगामा काटा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस मामले में सीएमओ ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए फार्मासिस्ट को निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। देखो डॉक्टरी कराना है तब रुपया मांगी हमसे 2000 और मांगती 2000 ना ही थे, फिर 500 रुपया हमसे ले तब जाकर ही सवेरे 1500 रुपया दिए हुआ है। फिर क्या हुआ? फिर हम सवेरे तब रुपया दही नहीं रहे, बस खाना कागजों नहीं दे बाकी डॉक्टरी वाले तो बहुत कही सुनी तब रुपया हमारे बाप ही करे सबसे कहवाई सुनवाई तो 500 रुपये वापस किए। हाँ 500 रुपये वापस किए। प्रथम दृष्टया देखने पर वीडियो और पूछताछ करने पर ये हुआ कि ये वही फार्मासिस्ट हैं जो वहाँ पर पोस्टेड हैं, तो तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया उनको दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है और 15 दिन में जांच के बाद उनके ऊपर और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
खबर देवरिया से है, जोहा के खुखूंद थाना क्षेत्र के बरौनी चौराहे के पास दर्दनाक घटना हुई। एक मासूम बच्चे को ट्रक ने कुचल दिया और बच्चे की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया, धू धू कर जलने लगा, तो वही मौके पर ट्रक चालक फरार हो गया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, तो वही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। खबर अलीगढ़ से है, जहां के थाना विजयगढ़ इलाके के गांव दुधिया में विद्युत विभाग की लापरवाही से हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर युवक झुलस गया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर भारी तादाद में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई, तो उन्होंने रोड जाम कर हंगामा काटना शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर 3 थाना क्षेत्रों का पुलिस बल पहुंच गया और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई, तो इधर क्षेत्रीय भाजपा विधायक पहुंच गए। काफी समझाने के बाद ग्रामीणों ने शव को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ग्रामीण मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये लड़का मतलब हम अपनी दीदी के घर पे जा रहे थे, पर होली तो ब्यास खाए थे हम। अच्छा, तो छोटी सी बच्ची थी, उसको मैं दुबिया छोड़ने के लिए गया था, तो ये दो लोग पैदल पैदल आ रहे थे पीछे, तो एक हमारे जीजा जी लगते तो पीछे रह गए थे, तो यहाँ आए थे पेशाब करने के लिए। अच्छा, ये कौन लगते हैं आपके? ये मेरे बड़े भाई, मतलब ताऊ जी के लड़के। अच्छा, तो आके पेशाब पेशाब करने के लिए आए होंगे, पेड़ के नीचे आते ही मतलब इनको शॉट मार दिया, हाथ पास सब जल्दी पेड़ पे हाथ लगाया होगा इन्होंने। किससे शॉट मारा? इसी पेड़ में करंट है, पेड़ से हाथ लगाया होगा इन्होंने, पेड़ में करंट था। इसमें यहाँ पे आके देखो तो गिरे मिलता, हम तो पीछे से बक्के आया था मैं गाड़ी लेके, तो यहाँ पे गिरे में भुने हुए मिले थे यहाँ पे। मामला कुछ नहीं, ये लड़की के छोड़ने लिए आए थे या दुबिया मोड़ पर भोपालगढ़ी से, उधर से लड़का दुबिया चला गया एक, और ये दोनों जीजा साले इधर वापस पैदल पैदल चले गए, तो उधर से बाइक आएगी तो उसमें बैठक में चल देंगे। जीजा रोड पे खड़ा हो गया, साला यहाँ पेशाब करने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा आया था, इसी हालत से मतलब वो पेशाब कर करके ऐसे ऐसे पेड़ से हाथ लगा दिया, उसको मालूम था नहीं इसमें करंट आ रहा है, ऐसे हाथ लगाया करंट उसमें पूरा ही मतलब पकड़ दिया उसको, जला दिया, ये चल गया है। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।